आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल से जो अपने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम कार्ड का है पिन जनरेट कर सकते हैं, तो उसके लिए कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ओपन करना है। जैसे हमने यहाँ पे क्रोम ओपन करा, यहाँ पे आपको लिखना है PNB इंटरनेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग। इसके बाद आपको सर्च कर देना है। आपको यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे जो ये साइट मिल रही है, इसमें देखो पंजाब नेशनल बैंक का लोगो भी बना हुआ है, और आपको इसी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा एक पेज ओपन होगा। आपको सबसे ऊपर यहाँ पे कॉर्नर के पास ये लॉगिन का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसी लॉगिन में क्लिक करेंगे तो आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे। सबसे पहले आपको जो ग्रीन कलर में दिख रहा है जनरेट डेबिट कार्ड पिन, इसमें क्लिक कर देना है। जैसे ही लोडिंग हो जाएगी तो आपके सामने ये पेज खुलेगा। आपको यहाँ पे देखना है, ये फिर से यहाँ पे आपको दिख रहा है कार्ड जनरेट डेबिट कार्ड पिन, आपको इसमें क्लिक करना है। ग्रीन कलर में लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, जिस भी एटीएम कार्ड में आपको पिन बनाना है। यहाँ पे हम अपना एटीएम वो अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं। आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू में क्लिक करेंगे तो आपके जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उसमें आपका ओटीपी चला जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। आप ओटीपी डालने के बाद यहाँ कंटिन्यू में फिर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। इसमें आपको कस्टमर का नेम दिख रहा होगा और कार्ड नंबर यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, जो अपना एटीएम कार्ड का नंबर है वो यहाँ पे डालना पड़ेगा। यहाँ पे हम डाल देंगे। यहाँ पे कार्ड नंबर, अपना एटीएम कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे जो ग्रीन पिन ओटीपी डिलीवर्ड ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको एक ओटीपी डालना है, जिसके लिए हम जो ये वीडियो बना चुके हैं वो ओटीपी भी आप मोबाइल पे मंगा सकते हैं, जो कि 6 डिजिट का होता है, और उसके लिए हम वीडियो बना चुके हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे, आप उसको देख के वो ओटीपी बना सकते हैं। वो ओटीपी आप पहले ही मंगा लीजिए तो आपको सुविधा होगी बनाने में। यहाँ पे हम वो ओटीपी डाले दे रहे हैं। हमने वो ओटीपी डाल दिया है शंकु का। यहाँ पे कैप्चा जो आपको दिख रहा है ये ऊपर, ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिख रहा है नीचे, आप वो कैप्चा डालेंगे हम यहाँ पे। कैप्चा डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे लोडिंग ले रहा है अभी। इसके बाद ये ऑप्शन आ चुका है, इसमें हमें अपना नया पिन बनाना है, जो वो हम वो यहाँ पे डाल दे रहे हैं, जो हमें नया पिन बनाना है अभी, ये हम वो यहाँ पे डालेंगे। तो हम बनाना चाहते हैं, हमने जो भी पिन बनाना चाहते हैं हमने वो यहाँ पे दोनों बार डाल दिया है। आपको वही दोनों बार सेम सेम डालना है, उसके बाद आपको सबमिट में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाएगा, योर डेबिट कार्ड पिन हैज बीन सेट, डू नॉट शेयर इट विद एनीवन। और आपके मोबाइल नंबर जो भी लिंक होगा उसमें भी मैसेज चला गया होगा कि आपके एटीएम पिन जो है वो बन चुका है। और आप हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।